रहे हैं इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के आवास पर। लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश से जो 69,000 वैकेंसी में जो छात्र उत्तीर्ण हुए थे जिनकी मानवीय त्रुटि है, उस कारण से पूरे प्रदेश से जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, मैं उनसे सुनना चाहता हूं कि उनकी क्या मांगे हैं। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र है जी। हरेंद्र जी, आप? मैं फिरोजाबाद ज़िले से हूं जी। मेरी सरकार से ये मांग है कि जो हमने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019 के लिए जो आवेदन किया था दिसंबर 2018 में, उस आवेदन में हमारी कुछ कंप्यूटर, आप पढ़ के सुनाएं आपकी क्या क्या समस्या है। देखिए, हमारी समस्या ये है, ये हमारी मांग है सरकार की, 2019 की ये सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है, आप देख पा रहे होंगे इस विज्ञप्ति में कहीं पे भी फॉर्म संशोधन के बारे में नहीं कुछ जिक्र किया गया है, जबकि इसी के बिल्कुल एवरेज में आप देखेंगे ये 2018 की विज्ञप्ति है जी जी। इसमें सरकार ने बकायदा दिया पॉइंट नंबर 6 पे कि ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों में नियमानुसार संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो कि आपकी है 13 फरवरी 2018 जी। हमारी सरकार से यही मांग है कि जब 2018 की भर्ती में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था, ऐसी संख्या काफ़ी लोगों की थी, उसमें मोबाइल नंबर को करेक्ट किया गया था, चेंज किया गया था, लॉकडाउन नहीं था, लोग व्यक्तिगत तौर से PNP से अपने आवेदन देने के प्रत्यावेदन देने के बाद उनके फॉर्म में संशोधन हुआ, सरकार ने ऑनलाइन भी व्यवस्था की, लेकिन 69,000 भर्ती में लोग बेबस हैं घर से बाहर निकलने के लिए। कोरोना के चलते हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ रहा है। हम इस तरह की बेबस चीज़ों के बारे में हम सरकार से ये गुहार करते हैं कि सरकार हमारी ऑनलाइन व्यवस्थाएँ लागू करें और ये एक शासनादेश जारी करे जिसमें कि हमारे संशोधन की बात रखी जाए, अन्यथा की स्थिति में हम इस टेट को पास करके, सुपर टेट के एग्ज़ाम को पास करके और इतनी टफ मेरिट में आने के बाद भी हम केवल मानवीय भूल के चलते बाहर हो जाएं, ये सरकार का कोई न्याय नहीं है हम लोगों के साथ में। हमें सरकार से ये दरख्वास्त है कि सरकार हमारे इस मांग को पूरा करे और हमारे साथ न्याय करे, अन्यथा की स्थिति में हमारे जो भी जुड़े हुए हमसे लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती हिस्सा हमें दिया, अपने सारे सुख खत्म करके हमें पढ़ाया लिखाया, हम उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाएं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ में हम भी, हमारा भविष्य पूरी तरह अंधकार में चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से शासन व्यवस्था होगी। मैं साथी आपका? ये मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, आप कहाँ के? क्या प्रॉब्लम है आपके? हमारे में गुणांक और प्राप्तांक में थोड़ा सा कुछ त्रुटियां हो गई हैं जी, इसलिए मेरिट में थोड़ा सा हमारा गुणांक ज्यादा बन गया। अच्छा, कब से आप हैं यहाँ पर? हमें आज तीसरा दिन हो गया है। अरे वाह, चलिए ठीक है। साथी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। जी कुलदीप जी, आप क्या प्रॉब्लम है आपको? उनकी प्रॉब्लम है, प्राप्तांक गुणांक वाला ही प्रॉब्लम है सर, और ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मंत्री जी चाहेंगे तो हो जाएगा जी जी, अगर उनकी कृपा दृष्टि हम लोगों में पड़ती है। वैसे तो 3-4 दिन हो गया है यहाँ भूखे पैसे बैठे हैं, उनकी कोई भी थोड़ी सी इतनी सी भी दृष्टि हम लोगों पे नहीं पड़ी है, एक बार भी नहीं पूछा मंत्री जी। यहाँ पे काफ़ी मंत्री विधायक आते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं, कोई हम लोग से रुके पूछता तक नहीं कि आप किस वजह से यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है कि आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा मंत्री हैं तो सिर्फ वही पूछेंगे, अदर जो है मंत्री या विधायक वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जनता के सेवक हैं, वो उनका अधिकार बनता है कि वो हमसे पूछें कि हमें क्या समस्या है, पर कोई जो है हम पे ध्यान नहीं देता है। ठीक ठीक, क्या नाम है आपका भाई? सर मेरा मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर समस्या आपकी? सर मोबाइल नंबर समस्या है। ठीक, कहाँ से हैं आप? सर लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ से। अच्छा ठीक है, क्या नाम है साथी आपका? अबिरल जी। अबिरल जी, क्या समस्या है आपकी? मेरा मोबाइल से गायब हो गया है। अच्छा, नंबर निकल नहीं रहा एक साल से। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हरदोई से। अच्छा, हरदोई से हैं आप। साथी क्या नाम है आपका? अनिल सिंह नाम है। अनिल जी, क्या समस्या है? ठीक है ठीक है ठीक, क्या नाम है साथी आपका? चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी। हाँ बताएं, क्या समस्या मैम? समस्या ये है कि मेरे BEd के पूर्णांक में थ्योरी में 600 के स्थान पर 800 हो गए हैं, तो मेरा इससे मेरिट ही कम हो गया, जब मुझे जिला ही नहीं अलॉट होगा, अगर ये लोग कहेंगे जिला समिति पूरा वो करेगी, जब मुझे जिला ही नहीं अलॉट होगा तो मैं कैसे क्या करूँगी आगे। जी मैम, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही हैं। अच्छा, लखनऊ से हैं। हाँ, अच्छा, तो ठीक। बस मेरी यही मांग है कि ये किसी तरह सब दूसरा फॉर्म भरवा करके जी वहाँ पे, तो हमारा जैसा है, जैसा मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी जो भी है उसको वेरीफाई करके और संशोधित करें जी। थैंक, क्या नाम है साथी आपका? जसराम।
जी जसराम जी, कहाँ से हैं आप? आगरा से। आगरा से, क्या समस्या है आपकी? सर हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटियाँ हुई हैं और उनको मानवीय भूल के कारण सही नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी हमें कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं या कोई याद नहीं, हम 4 दिन से यहाँ पर डलेंगे। ठीक, थैंक यू। हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई इस पर कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है। मेरी मांग ये है कि फॉर्म में संशोधन का मौका दिया जाए, नहीं तो हम पहले ही बाहर हो जाएंगे। जी जी जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? जी अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपके? और डिस्ट्रिक्ट चॉइस अभी जो फॉर्म फिल हुआ है उसमें अदर स्टेट ऑप्शन लड़कों को सारे लोग कुछ। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुचि है। अच्छा रुचि जी, कहाँ से हैं आप? हम सीतापुर से आए। अच्छा कैसे आप आए सीतापुर से? आप स्कूटी से आए, सुबह 4 बजे चले थे। अरे वाह जी, डेली आ रहे हैं 3 दिन से, तब भी कोई यहाँ पर बैठ रहे हैं। मंत्री जी आपसे मिले कि नहीं? अभी नहीं मिले, और हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद वहाँ भी गए थे निषादगंज, कोई भी नहीं मिला, हम लोग बहुत भटक रहे हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रमन वर्मा। रमन जी आप कहाँ से हैं? सीतापुर से। अच्छा सीतापुर से आए, कैसे आप आए? 3 दिन से हम भी बाइक से आ रहे हैं, 3 दिन से लगातार आ रहे हैं हम। ठीक है ठीक, क्या डिमांड है आप लोग की? हमारी डिमांड यही है कि या तो हमें संशोधन दिया जाए, या तो पिछली बार की तरह हमें जिला चयन समिति को आदेश दिया जाए कि हम लोगों को काउंसलिंग में सम्मिलित करें। जी ठीक है मैम, बताएं क्या नाम है मुझे आपका? जी आपकी क्या समस्या है? जी को पूरा किया जाए। ठीक जी, बताएं मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम आरती है। कहाँ से हैं आप? मैं रायबरेली से हूँ जी। अंकीय मानवीय भूल के कारण अंकीय त्रुटि हो चुकी है, तो उसको सुधार के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें एक संशोधन का मौका दिया जाए, जैसा पिछली भर्ती में दिया गया था, तो हम चाहते हैं कि इस भर्ती में भी हमें एक संशोधन का मौका मिलना चाहिए। जी मंत्री जी से हमारी यही मांग है कि एक ऐसा आदेश पारित करें जिसमें हमें संशोधन का मौका दिया जाए। जी जी, जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश से विद्यार्थी यहां पर हैं, और इस समय लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश के विद्यार्थी हर ज़िले से यहां उपस्थित हैं, और कुछ यहां लखनऊ में हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आपके प्रयागराज में भी हैं। साथियों इन लोग की डिमांड है कि जो इस समय पिछली 68,000 में वैकेंसी में जो संशोधन सरकार ने संशोधन तो नहीं किया था, लेकिन एक प्रस्ताव पारित किया था, एक आदेश दिया था, उस आदेश को पारित करने के लिए छात्रों की यह मांग है, और इनकी मांग है कि मंत्री जी इनकी मांग को पूरा करें। बस हो गया, कहूँगा कि यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पर बहुत सारे विद्यार्थीगण एकत्रित हैं, और इनको 3-4 दिन से देखा जा रहा है, इनके भीड़े यहीं पर एकत्रित हैं, इनका क्या कारण है मैं इनसे पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र है। जी हरेंद्र जी, क्या प्रॉब्लम है आप लोग की? हमारे फॉर्म में कहीं ना कहीं मानवीय भूल की वजह से कुछ प्रविष्टियां गलत हो गई हैं, जिसके लिए सरकार ने हमें कोई संशोधन का मौका नहीं दिया है। जी ऐसा नहीं है कि संशोधन का मौका हम पहली बार मांग रहे हैं। विगत वर्ष में एक भर्ती हुई थी 68,500 की। जी 68,500 की भर्ती में भी ऐसा हुआ है कि लोगों की मानवीय त्रुटियाँ हुई हैं फॉर्म में, और उसको सरकार ने संशोधित करने का मौका दिया है, जिसके हमारे पास पूरी तरह साक्ष्य हैं। जी हम आपको साक्ष्यों के आधार पर शासनादेश दिखा सकते हैं, लेकिन इस बार सरकार हमारे खिलाफ क्यों ऐसा कदम उठा रही है ताकि हम लोग अपने अभ्यर्थन से बाहर हो जाएं? आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं सरकार हमारे संशोधन को स्वीकार करे और हमें इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे। अच्छा अच्छा, वो एक अलग बात है कि हमारा उस काउंसलिंग के बाद मेरिट में हमारा क्या होगा, ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन ये हमारे साथ एक नाइंसाफी है। हमारा उद्देश्य है कि या तो हमें फॉर्म संशोधन करिएगा, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु करिए, आप आज्ञा दीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र है। कहाँ से हैं? मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा जी, और ऐसे लॉकडाउन में चलते हुए मैंने कितनी मुसीबतों के तहत सरकार से इस बात की उम्मीद रखी है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, हमारी मांगे सुनेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं भाई हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो मोबाइल के चलते परेशान, उनका फॉर्म तक नहीं खुल रहा है, दूसरी तरफ उनकी प्रविष्टियां गलत हैं, सरकार अगर संशोधन नहीं करेगी तो ऐसे तो कम से कम नहीं तो 40-50,000 लोग बाहर हो जाएंगे। जी जी, लिहाजा हमारी सरकार से यही अपील है कि सरकार हमारी मांग को स्वीकार करे और हमारे साथ इंसाफ करे, ताकि जनता का सरकार पर भरोसा बना रहे और जनता ये चाहती रहे कि सरकार इसी तरह से अपने बेहतर कामों को अंजाम देती रहे। जी जी, अन्यथा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरा तरीके से विश्वास हट जाएगा। ठीक ठीक,
क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम सर मेरा नाम आरती सोनी है जी। मैं चार दिन से भटक रही हूँ, मैं 3 महीने की बच्ची है, मैं उसको रोज छोड़ कर आती हूँ घर पे, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी जी जी। मेरे मोबाइल भी बंद हो गया है, मोबाइल में भी कोई संशोधन नहीं कर रहा है और मेरे मार्क्स भी कम फेल हुए हैं। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं लखनऊ से ही। अच्छा।